फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा रेसिपी क्या है वो तो आप ये सब इंग्रेडिएंट देख के ही पता लगा सकते हैं। एक्चुअली हमारा मेन इंग्रेडिएंट ये करेला है, तो क्योंकि हम यहाँ पे बॉयल पोटैटो लिए हैं, ये प्याज लहसुन और जिंजर, यहाँ पे टमाटर, ये ग्रीन मटर और ये हमारा धनिया पत्ता है। तो इससे ये तो बस साइड इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, ये इससे हम मसाले वगैरह रेडी करेंगे। तो करेले लिए हैं, करेले को फ्रेंड्स हमने ऐसे बीच से देखिए ऐसे काट लिया है, ऐसे करके हमको काटना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे करेले आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करके आपको बीच से काटना है। तो यहाँ पे हमने बॉयल पोटैटो भी लिया है, बॉयल पोटैटो को हम पहले इसका जो छिलका है इसको ऐसे करके हम निकाल देंगे। तो ये मैं बाद में निकालूंगी फ्रेंड्स, मैं बस आपको ये सब दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम ये करेले को एक बस 5 मिनट के लिए एक स्टीम देंगे। बॉयल नहीं करना है पूरा, बस पानी गरम करके, अच्छे से गरम करके इस ये करेले को उसके अंदर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देना है। जैसे ये पूरे तरह से मतलब पक ना जाए, बस थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद हम उस पानी से उसको निकाल देंगे। और ये जो बॉयल पोटैटो हमने लिए हैं ये स्टफिंग के लिए हम रेडी करेंगे। और ये जो जिंजर गार्लिक ऑनियन और टमाटर है और मटर है, इस सबको हम मिक्स करके, जैसे आलू का एक मसाला बनाते हैं ना, जैसे इस तरह के मसाले हम बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम अभी पानी गरम कर रहे हैं एक कढ़ाई में, हमने थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर हम थोड़ी सी मतलब बहुत कम एक पिंच के बराबर सॉल्ट ऐड करेंगे। तो अभी हम पानी को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जो करेले लिए हैं उसको इसके अंदर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, तो हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं फ्रेंड्स, इतने से जस्ट पिंच के बराबर हल्दी डाल देते हैं जस्ट कलरिंग के लिए। इसका और कोई रोल नहीं है, बस हमें हमारे करेले में अच्छा कलर चाहिए। वो हिंदुओं का होता है ना, मतलब हिंदुओं का नहीं, हमारा ऐसा मानना होता है कि सब्जी जैसी भी बननी हो लेकिन कलर अच्छा आना चाहिए, ये मेंटेलिटी है। तो इसके लिए हम अभी यहाँ पर हल्दी डाल चुके हैं, और हल्दी भी एक बहुत अच्छा मतलब मसाला है, जिसमें एंटीबायोटिक का सारे नेचर से ये एक टाइप का एंटीबायोटिक है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जर्म को मारता है, मतलब जो जर्म हमको कुछ नुकसान पहुँचाता है ना, उसको मार देता है। तो ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, करेले भी बहुत अच्छा ही है। तो अभी हम करेले को इसके अंदर डाल दिए हैं फ्रेंड्स, ढक्कन लगा देंगे। हमने अभी ढक्कन लगा दिया है फ्रेंड्स, इसको बस 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है स्टीम करने के लिए, ताकि पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ जाए और ये अच्छे से पक के रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस बीच हम यहाँ पे हमारा जो आलू लिए हैं, बॉयल्ड पोटैटो लिए हैं, इसमें हम बना देते हैं हमारा जो मसाला बनाना है ना, इसको बना देते हैं। फ्रेंड्स, 5 मिनट ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम चेक करेंगे, हमने अभी अभी गैस बंद कर दिया था, तो अभी चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हमारा करेला अच्छे से पका है या नहीं। क्योंकि मैं बोल रही थी ना आपको कि हमें इसे अच्छे से पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो देखिए ये ठीक से हो गया है फ्रेंड्स, देखिए ये सॉफ्ट भी हो गया है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पक गया है, जस्ट सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम इसे निकाल देते हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे इसको निकाल दे रहे हैं छोटे से प्लेट में। इस बीच हमने हमारा मसाला भी रेडी कर दिया है, नॉर्मल पोटैटो को मास करके इसको मसाले में मतलब पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी देखिए ये बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, हम लोग उस मसाला को इसमें स्टफिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा वो जो 3 बॉयल पोटैटो हमने रखे थे, उसे हमने
इसे मसाला बना के रेडी कर दिया है। अब हम स्टफिंग के लिए, फ्रेंड्स देखिए हमने जो बॉयल पोटैटो रखा था ना उसे इसी तरह के मसाले बना के रेडी कर लिए हैं और अब हम स्टफिंग करेंगे। तो स्टफिंग के लिए पहले ये बहुत गर्म है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे पकड़िएगा। देखिए इसके अंदर बीज है, हम आप चाहे तो इसका ये बीज सब निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली करेले का ये बीज बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये रख रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो ऐसे करके, देखिए ऐसे करके इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको ऐसे आलू का वो जो मसाला लेना है और इसको इसके अंदर ऐसे भर देना है। अच्छे से आपको इस तरह से भर देना है फ्रेंड्स, जैसे मतलब भर के रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हम सारे जो करेले है उसके अंदर सारा मसाला हम भर देंगे। एक्चुअली जो करेले के अंदर जो बीज होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और दूसरी बात ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये जब हम चबाते हैं ना, मतलब इसको जब हम फ्राई कर लेते हैं उसके बाद हम जब इसको खाते हैं तभी एक क्रंची सा टेस्ट आता है, मतलब क्रंचीनेस आता है इसके अंदर, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये हो गया हमारा तीसरा और ये चौथा, इसको भी हम इस तरीके से ही स्टफिंग कर देंगे। फ्रेंड्स ये जो पानी इसके अंदर है आप निकाल दीजिएगा, अभी एक्चुअली बहुत गर्म है करेला, आप जब ठंडा हो जाए ना उसके बाद ही आप करिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत गर्म है, मेरा हाथ भी मतलब मैं टॉलरेट कर सकती हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप ऐसे करके इसको अच्छे से स्टफिंग कर दीजिए, थोड़ा मेरा वो जो पोटैटो का मसाला था सा बच गया है, लेट इट, हम इसे साइड डिश बना के खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमें इसके लिए एक घोल रेडी करना है, मतलब एक बाइंडिंग एजेंट रेडी करना है, तो चलिए रेडी करते हैं फ्रेंड। हम यहाँ पे एक पानी के बर्तन लिए हैं जिसमें इतना ही पानी है, मतलब हाफ कप के बराबर पानी है। तब यहाँ पे हम चावल का आटा एक स्पून हम यहाँ पे डाल रहे हैं और ये दूसरा स्पून और ये तीसरा स्पून, थ्री स्पून वो जो राइस फ्लोर होता है ना हमारा चावल का आटा वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इसमें हम पहले से पानी लिए थे क्योंकि ये मतलब लंप ना हो जाए, तो अभी हम बेसन डाल रहे हैं। ये एक स्पून चला गया बेसन, ये दो दूसरा वाला स्पून बेसन उतना ही डालना है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो मिक्स बनाना है ना फ्रेंड्स ये ट्रिक है, क्योंकि देखिए हम पहले से इसमें पानी ले लिए, क्योंकि अगर हम पाउडर के अंदर पानी डालेंगे तो ये लंप बन जाएगा, तो हमें लंप बनाना नहीं है, ऐसे मिक्स करना है, मतलब जैसे थोड़ा सा ठीक बन के एक घोल रेडी करना है। तो हमें इसे अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे फ्रेंड्स, तो ये गया हमारा थोड़ा सा हल्दी। अभी हम इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी डालेंगे, इतना सा, बहुत कम, इतना सा रेड चिल्ली पाउडर। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर भी डालेंगे फ्रेंड्स, देखिए इतना सा जीरा पाउडर। एंड फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कहते हैं ना जिसके बिना खाना अधूरा है, थोड़ा सा नमक, इतना ही नमक डालेंगे और अभी इसको अच्छे से ऐसे मिला लेंगे फ्रेंड्स। देखिए
ऐसे मिक्स करके हमें एक अच्छा सा घोल बना लेना है। मिक्स। हाँ देखिए हमारा घोल ठीक हो गया। अगर चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही टेक्सचर चाहिए, इतना ही मतलब थिकनेस चाहिए। अगर ज़्यादा पानी आप देंगे इसमें तो जब आप फ्राई करेंगे ना तो बूंदी बन जाएगा, तो इसलिए आप ऐसे थिकनेस के साथ इसको डीप फ्राई करना। तो अभी हमारा वो ये मिक्स रेडी हो गया, तो अभी हम चलते हैं डीप फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स हम पहले पैन गरम कर लेते हैं, इसमें तेल लगा। ओके फ्रेंड्स पैन गरम हो गया है, तो अब इसमें हम तेल डालते हैं। तो आप चाहे तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी तेल डाल हूँ, मुझे जस्ट सैलो फ्राई ही करना है। तो अभी तेल गरम होने के लिए वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए तेल गरम हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है ना, ये जो उसका फ्लेम है ना, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, मतलब पूरा लो नहीं, हम मीडियम में रखेंगे फ्लेम को, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये जस्ट बाहर से खुद पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये अच्छे से नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको मीडियम आंच में रखते हैं। अभी हम चलते हैं इसको तलने के लिए। तो तलने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमने रखा था ना घोल बना के, इसके अंदर हम ऐसे एक करेले को जो स्टफिंग है उसको ऐसे लेंगे और अच्छे से इसको ऐसे अच्छे से इसको इस घोल में डुबा देंगे, मतलब इसको अच्छे से नहा लेना है। पकौड़ा हमारा बनता है ना, ब्रेड पकौड़ा या कोई सी भी सब्जी का पकौड़ा, इस तरह ही लगेगा ये, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप इसे राइस के साथ खाइएगा, मतलब इसे खाली इसको खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये राइस के साथ एक साइड डिश की तरह आप इसको लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा अच्छे से कोटिंग हो गया, हम एक कोटिंग को ये जो कोटिंग हुआ है करेले इसको लेकर ऐसे तेल में छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स सेम टाइप का दूसरा भी हम बनाएंगे, इसको तल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने चारों डाल दिया है अभी, तो अभी ना फ्रेंड्स हम इसको थोड़े थोड़े करके ऐसे पलटेंगे, क्योंकि ये एक साइड का हो जाएगा लेकिन दूसरा साइड ऐसे ही रह जाएगा ना, क्योंकि हम सैलो फ्राई कर रहे हैं डीप फ्राई नहीं, तो जरूरी है कि उसका ऊपर भी थोड़ा सा मतलब बन जाए, नहीं तो एक तरफ से अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा और दूसरे तरफ वैसे ही रह जाएगा। ऐसे ऐसे हम करके इसको पलटेंगे। तो देखिए फिर हमारा वो जो करेला अच्छे से पक गया है, बन के रेडी हो गया है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। फिर चारों तरफ से अच्छे से बन गया है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको अच्छे से तल लेके निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा करेले के जो पकौड़ा है, करेले स्टफिंग बन के पूरा रेडी हो गया है। देखिए ऐसे बना है, मैं आपको साइड दिखा रही हूँ। हाँ इसमें थोड़ा सा तेल है,
तो आप इसे पहले टिश्यू पेपर में डाल देंगे, उसके बाद इसको खाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल भी है। आप अगर थोड़े से तेल में भी इसको फ्राई करते तो होता, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा डीप फ्राई अच्छा लगता है, तो मैं इसको डीप फ्राई, पूरा डीप फ्राई नहीं की हूँ, बस शैलो फ्राई ही की हूँ। तो आप तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी बना है, खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। तो जो बच्चे हैं ना, वो लोग करेला नहीं खाते, तो इसलिए ये बेस्ट वे है इनको करेले की सब्जी खिलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।